नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपकी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, मतलब लिखित परीक्षा होगी या कंप्यूटर बेस, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और कितना समय मिलेगा हमें, और सिलेबस क्या है इसका, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम डेट क्या है, ये सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है HSSC का नोटिस जो कि जारी किया गया है 12 नवंबर को, देख सकते हैं 12 नवंबर 2018 को, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो इसमें लिख रखा है एग्ज़ाम होगा OMR सीट बेस्ड, जैसे हरियाणा ग्रुप डी के हो रहे हैं ऐसे ही होगा हरियाणा पुलिस का भी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी, ठीक है। यहाँ तक होगा क्लियर। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर मेल की और सब इंस्पेक्टर फीमेल की, और मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल, इन सभी की एग्ज़ाम डेट दे रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, जो SI मेल का एग्ज़ाम है वो होगा 2 दिसंबर को, और जो फीमेल है उसका भी होगा 2 दिसंबर को, लेकिन जो मेल वाला एग्ज़ाम है वो होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और जो फीमेल वाला SI का एग्ज़ाम है वो होगा इवनिंग शिफ्ट में, और जो मेल कॉन्स्टेबल है इसका एग्ज़ाम होगा 23 दिसंबर को, और जो फीमेल वाला है वो होगा 30 दिसंबर को। और इसके अलावा जो इंडियन रिजर्व बटालियन ऑफ हरियाणा स्टेट है इसका एग्ज़ाम होगा 30 दिसंबर को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दिन जारी होंगे इनके एडमिट कार्ड। तो उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे 100, और ये 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 80 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 0.80 का। अब बात करें मिनट कितनी मिलेगी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी मिलेगी, 90 मिनट। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। उसके बाद देखिए जो एग्ज़ाम है ना, ये हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश में भी, यानी दोनों लैंग्वेज में होगा, जैसा कि हरियाणा ग्रुप डी का हो रहा है। तो अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस के सिलेबस की। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हरियाणा पुलिस का सिलेबस। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, इसमें GK आएगी, साइंस आएगी, करंट अफेयर भी आएंगे, क्या आएंगे, करंट अफेयर भी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि भी आएगी, और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो कितने आएंगे, 10, ठीक है। आ गया यहाँ तक आपको समझ में, और बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, और इसमें क्या क्या है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको मिलेंगे 4 नंबर, और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनको मिलेंगे 7 नंबर, 4 ग्रेजुएशन के और 3 पोस्ट ग्रेजुएशन के, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख लेना क्या क्या है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।